अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के बीच में भगवद्गीता सुनाई। भगवद्गीता का संदेश किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। श्लोक 11 में भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। असली ज्ञान वो है जिससे आप ये जान सकते हैं कि ये शरीर और भौतिक चीज़ें क्या हैं, आत्मा क्या है और भगवान कौन है। भगवान श्री कृष्ण श्लोक 12 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीख दे रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम और ये सारे सैनिक आत्माएं हैं। आत्मा अमर है, इसका मतलब अर्जुन तुम पहले भी थे और फ्यूचर में भी रहोगे। अंत सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। युद्ध में सबके शरीर खत्म होने वाले हैं, आत्मा नहीं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधा टिकामान। हम आत्मा हैं, एक पर्सनैलिटी हैं। भगवान सुप्रीम आत्मा हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं। हम सागर की बूंद हैं, भगवान सागर हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुयति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी का नाम अमिताभ है, अमिताभ जब 2 साल का था उसकी बॉडी कैसे थी, 25 साल में कैसी थी और 70 साल में कैसी है। अमिताभ वही है पर बॉडी चेंज हो गई, इसको माइग्रेशन कहते हैं। और मृत्यु के बाद भी अमिताभ रहेगा, उसको नया शरीर मिल जाएगा, उसको ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। हम अपने एक जीवन में भी कितना शरीर परिवर्तन करते हैं, वैसे ही मृत्यु के समय दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो जो धीर व्यक्ति है, सोबर पर्सन है, वो इस चेंज से मोहित नहीं होता। साइंस कहती है एवरी 7 ईयर्स यू आर अ न्यू पर्सन, मतलब हर 7 साल में हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए भी अर्जुन को भीष्म और द्रोणाचार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देखिए भगवान कैसे समझा रहे हैं अपने भक्त को। तो जो अच्छा कर्म करेगा उसे मृत्यु से कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे नेक्स्ट लाइफ में एक अच्छी बॉडी मिलेगी। वह कोई धनी परिवार में जन्म ले सकता है, उसे एक सुंदर और स्ट्रांग बॉडी मिल सकती है। पर जो भगवद्गीता को रियलाइज़ करेगा, भगवान श्री कृष्ण से प्यार करेगा, उनकी भक्ति करेगा, वो तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही ऊपर उठ जाएगा और भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में पहुँच जाएगा। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास्तम स्थिति क्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ड्यूटी करते हुए हमको सुख और दुख का आवागमन टॉलरेट करना चाहिए। जैसे कभी समर होता है कभी विंटर, वैसे ही न तो सुख परमानेंट होता है न दुख। जो वेदों को फॉलो करते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर नहाना पड़ता है, चाहे वो गर्मी के महीने हो या सर्दी के। वैसे ही जो हाउसवाइफ्स हैं वो मई और जून की गर्मियों में खाना बनाना नहीं छोड़ देती, वो किचन में अपनी ड्यूटी करती हैं। वैसे ही क्षत्रिय की ड्यूटी है फाइट करना, भले सामने वाला दोस्त हो या रिश्तेदार।
तो जो सुख और दुख से विचलित नहीं होता उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। जो विवाहित हैं, गृहस्थ हैं, उनको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपना कर्म करते हुए भक्ति कर सकते हैं। इससे वो अपने परिवार और दोस्तों का भला कर सकते हैं। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।